टूल किट का हिस्सा है। ये बयान आपत्तिजनक है और वो बार बार कांग्रेस को राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इस देश की आज़ादी में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, हमारे नेताओं का बड़ा योगदान रहा है और आज़ादी के बाद भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का और राहुल गांधी जी का जो परिवार है उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस देश की एकता और अखंडता के लिए श्री राहुल गांधी जी की दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपना बलिदान दिया, उसी तरह से उनके पिता श्री राजीव गांधी ने भी इस देश की एकता और अखंडता, इस देश की प्रभुसत्ता को कायम रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो बलिदानों की बात भारतीय जनता पार्टी ना करे। श्री जेपी नड्डा ये बताए कि आज़ादी से पहले क्या योगदान रहा है, इनकी पार्टी तो उस वक्त नहीं थी लेकिन जो इनकी विचारधारा थी उससे संबंधित जो नेता थे उनका क्या योगदान रहा, और आज़ादी के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने इस देश के लिए एक खून का कतरा भी बहाया हो तो जेपी नड्डा जी बताएं। इस तरह की बयानबाजी बंद करें। और मुझे लगता है कि जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद खुलासा हुआ है उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है चूल्हे हिल चुकी है और बार बार विपक्ष ये मांग कर रहा है कि जांच होनी चाहिए, जो जेपीसी है उसका गठन होना चाहिए लेकिन ये सरकार उससे भाग रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है वो इस मामले से इसलिए बचना चाहती है क्योंकि जो प्रधानमंत्री श्री मोदी और अडानी साहब की जो नज़दीकियाँ हैं वो जग जाहिर है। मुझे लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी जी को संसद में बोलने से रोका जा रहा है क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं, वो पिछले कल स्पीकर से भी उन्होंने कहा कि जो भी आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा रहे हैं मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ, लेकिन उन्हें स्पष्टीकरण देने से रोका जा रहा है।